मैं पूछती हूँ निगुंडा नाम की स्पीशी होती क्या है। एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। गुंडा हमारी ना इंसाफी बुजदिली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है। इसी गुंडे के आड़ में छुपकर हमने अपने मुल्क के 74 साल जाया कर दिए और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपना हिस्सा मांगता है तो आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है। मरवाएगी दिलवर, कारोबार खत्म कराएगी अपना। Whatever, नहीं सर, डीसी साहब हुक्म की तामील करेंगे, तामील में आप उनकी मदद करेंगे, चैनल पे शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी, हाँ सबके आपसी तालुकात बढ़ जाएंगे लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं होगा। हम चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें सर्व करना पड़ेगा। मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं, मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। इससे पहले कि रिंग में रुस्तम और दिलशेर आमने सामने आए, मैं रुस्तम को सारी हकीकत बता देती हूँ। कैसे रियासत ने हाकिम पहलवान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। क्या हुआ मॉम, किस सोच में पड़ गई? रुस्तम बेटा, आज जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगी हो सकता है उस बात पे तुम्हें बिल्कुल भी यकीन ना आए, लेकिन मेरी जान वो बिल्कुल सच बात होगी। तुम्हारे डैड ने क्या राजोनियाज की बातें हो रही हैं माँ बेटे में? मॉम मुझे आपके बारे में कोई बड़ा सीक्रेट बताने लगी थी और आप एन वक्त पे आ गए। पुत्र ये चार्जिंग पे लगा। जी डैड, चार्जर कहाँ है इसका? वो वही होगा कमरे में। ओके ये क्या माकतिम मेहरुन्निसा, वो तुम रुस्तम को क्या बताने वाली थी वो कम मकल औरत? वो कितनी बार मैं तुम्हें बता चुका हूं कि सुल्तान की जान मैंने नहीं उसके गरूर ने दी है। खबरदार, खबरदार जो तुमने रुस्तम को मेरे खिलाफ वरगलाया तो। मैं माँ हूं रुस्तम की, ये सोचकर भी मेरा दिल कांप जाता है कि कल रिंग में मेरा बेटा दिलशेर के मद्दे मुकाबल होगा। मेरा बेटा तो उसके साथ खेल खेलेगा लेकिन वो अपने भाई का इंतकाम लेगा। इंतकाम तुम घर में है, उसके कानों तक तुम्हारी ये फजूल बातें ना जाए। उन सब के लिए ठोके। रुस्तम मुझसे सॉरी कर रहा था, वो इतना बदल कैसे गया? सितारा कह रही थी उसने रुस्तम से मेरे मुतालिक बात की है। क्या रुस्तम का ये बदलाव सितारा की वजह से है? रेशमा, रेशमा, वो रेशमा। जी जी खाला। ढक इन ख्यालों में, सालन बन गया, तुम हाकिम अली और दिलशेर को बुला लो, उनसे कहो और आकर खाना खा ले, मैं गरम गरम रोटी बना लेती। जी खान। पक्का इंतजाम किया है उसका यूनिवर्सिटी के खेलों में हिस्सा लेना। मैं भी खेलूंगा और वहीं पे खेल खत्म कर पास कर। चौधरी होगा वहां, चीफ गेस्ट है। रुस्तम की मौत वैसे ही होगी जैसे उसने सुल्तान भाई को मारा था।
इंशाअल्लाह। खुदा ये क्या होने जा रहा है, ये कैसा इम्तिहान है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिलशेर और रुस्तम रिंग में मद्दे मुकाबिल होंगे, इंशाअल्लाह इस वक्त को टाल दे। रुस्तम को हकीकत का इल्म ही नहीं है, दिलशेर उसे बदला लेगा। मुझे रुस्तम को बताना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे रियासत अंकल के गांव में भी एक हवेली है? Yes, Dad. Actually, एक दफा दोस्तों के साथ चली गई थी वहां पर। Sorry, आपको बताना भूल गई। हाँ, हम भी यूनिवर्सिटी में ना इसी तरह आउटिंग्स के लिए चले जाते थे, घर वालों से झूठे सच्चे बहाने करके। खैर, हवेली अच्छी लगी? अच्छी है, काफी बड़ी सी है। वहां के लोग कैसे हैं? रियासत साहब वहां के चौधरी हैं, बहुत रोब और दबदबा होगा उनका इलाके में, नहीं? मिल गया? लो ये आपका पर्स। वैसे कुछ उसको निकालने का मौका तो नहीं दिया मैंने, लेकिन ये चोरों चक्के हाथ के बड़े साफ होते हैं। वहां के लोग काफी केयरिंग से हैं, ख्याल रखने वाले, अच्छे अखलाक के। उनसे मिलके ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे उनसे कभी पहले मिले नहीं। ऐसा लगता है जैसे जैसे परसों से जानते हो। आप क्यों पूछ रहे हैं डैड? आप जाना चाहते हैं वहां पे? किसी वीकेंड पर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। One can think about it. Really? ठीक है, खेलती रहोगी या खाओगी? रही खाती हूँ। कैसे हो रुस्तम? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद कॉल किया, कोई काम था? क्या तुम मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर मिल सकते हो? यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स में? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब बताऊंगी मैं तुम्हें रेशमा बेबी, तुमने अम्मा और जमशेद को बुलाकर मुझे घर तक महदूद किया है ना? मैंने अगर तुम्हें कमरे तक महदूद ना किया तो मेरा नाम भी हाजरा नहीं। क्या कर रहे हो? सुबह बखैर। मैं अपने चाय का इंतजाम कर रहा हूं। वो तुम तो दूध पत्ती पीते हो, पतीली वाली, है ना? मुझे कह देते मैं बना देती हूँ। दरअसल मुझे अपने काम करने की खुद ही आदत है। वैसे
आदत बदल लो, अब शादी हो गई है तुम्हारी। ओ, अच्छा, मेरी शादी हो गई है। इसलिए दो कप बनाना, एक मेरे लिए। तो आप वो पतीली वाली दूध पत्ती पी लेंगी? क्यों नहीं, मैं भी आदत बदल सकती हूँ। ठीक है, बना देता हूँ। पतीली का है? मैं किचन में नहीं आती, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। क्या बात है उस्ताद, शादी के दूसरे दिन ही जिम आ गए हो आप तो। एक दो दिन भाभी के साथ रह लिया होता। ट्रेनिंग का क्या है, ये तो होती ही रहती है। हाथ से ना तेरा लेफ्ट राइट होगा और तेरा राइट लेफ्ट होगा। देख दिलचेर, हर फाइटर का ना एक ऐसा मूव होना चाहिए जो उसके सिवा कोई ना जानता हो, और यही वो मूव होता है जिससे बंदा चैंपियन बनता है। शाबाश भट्टी, शाबाश, इसको भी तैयार करना है। बड़ी तैयारियां हो रही हैं। कहाँ जा रही? कालों की लाली, होठों की सुर्खी, किससे मिलने जा रही हो? कहीं मुलाकाती का नाम रुस्तम चौधरी तो नहीं? बस करते हैं हाजरा भाभी, हर वक्त आपके दिमाग में एक ही बात रहती है। तुम्हारा गुस्सा तो यही बता रहा है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक है। दिलशेर यूनिवर्सिटी में होता है, तो मिलने कब जाती हो? रेस्टोरेंट में। आपका ना कुछ नहीं हो सकता। दिलशेर, रेशमा को छोड़ के वापस आ जाना, मैंने तुम्हारे साथ बाजार जाना है। आप जमशेद को बोलोगे ले जाएगा आपको? उसका पैरा तो छत पर है ना, तुम वापस आ जाना। एक दिन छुट्टी कर लोगे, कौन सा तुम्हारी यूनिवर्सिटी छूट जाएगी। ये क्या आता हूँ मैं? रेशमा, रेशमा जल्दी कर, देर हो रही है। सुना, मैंने दिलशेर को वापस बुला लिया, अब आराम से मुलाकात करना। हाजरा को कैसे पता चला कि आज मैं रुस्तम से मिलने वाली हूँ? कहीं उसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? नहीं नहीं, वो अपनी आदत से ही मजबूर है, उसे क्या पता मैं किससे मिलने वाली। जा ना, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Thank you.
भाभी जी जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। मैंने कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना तो छुट्टी क्यों कराई थी? कोच कह रहे हैं यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है, वैसे भी मैचेस होने वाले हैं। उसका भी कोई फायदा नहीं है। जिसके खिलाफ तुम लड़ाई लड़ रहे हो ना, तुम्हारी बहन उसी के साथ मिली हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। चुकानों से सुना है वही बता रही, उसी से मिलने गई है। कल जो तुमने अब्बा जी से बातें कही थी ना, वो बताने जा रही है, जान बचा रही है वो उसकी। रेशमा ऐसा नहीं कर सकती, कोई गलत फहमी हुई है आपको, बहन है, जानता हूँ उसको। वो दुश्मन से आदमी मिला सकती है। तुम हाथ मिलाने की बात कर रहे हो, वो तो दिल मिला चुकी है, यकीन नहीं आ रहा ना। ये एड्रेस है, इस पे जाओ, अपनी आंखों से खुद देख लो। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ करते हैं ना बात, लेकिन पहले थोड़ा रिलैक्स करो, कुछ खाओ पियो, फिर करते हैं बात। खाना पीना छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। क्या हो गया रेशमा? Relax, I'm here. It's not the first time we're meeting, right? Relax. मेन्यू दीजिए। कौन सी ऐसी बात है जो बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका तकाजा तो यही है कि मैं तुम्हें हर हकीकत से बेखबर रखूं। जिस तरह तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, मुझ पर हंसे, मैं भी तुम्हारे अंजाम पर कह के लगाऊं, खुशियां मनाऊं, लेकिन ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। हम जब किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं ना, तो ना तो उसके बारे में बुरा सोच सकते हैं, ना बुरा कर पाते हैं। इसलिए मैं आज तुम्हें सारी सच्चाई बताने के लिए आई हूँ यहाँ। कौन सी सच्चाई? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? बात ये है कि आजरा क्या हुआ है, क्यों खड़ा कर लिया हमें इस तरह से, क्यों जमा किया है? बस थोड़ी देर और अब्बा जी, फिर आप लोगों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा और एतबार भी उठ जाएगा। थोड़ी देर करते करते इतनी देर हो गई है, पता नहीं कौन सा सांप निकालने वाली है। सांप नहीं अम्मा, नागिन। आज तो नागिन निकलेगी। इस पहेली को सुलझा आजरा, पता नहीं क्या बताना चाह रही, कब से तेरा नाटक देख रहे हैं। आप लोगों की अकल से पर्दा उठाने वाली हूँ मैं आज, मुझ पर पहरे लगाए बैठी थी ना आप, मैंने कख कुछ नहीं किया। जिस पे निगरानी रखनी चाहिए थी उसे तो आप लोगों ने खुला छोड़ दिया, आजादी दे दी। लेकिन आज पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है और जुर्म क्या है। अरे कौन सा जुर्म, कैसा मुजरिम? अब्बा जी, इस घर की खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का जुर्म। ये देखे, मुजरिम आ गया।
क्या है ये? अब्बा जी, आपकी लाडली बेटी, आपकी इज्जत, आपका मान किसके साथ पकड़ी गई? दुश्मन के बेटे के साथ डेट मारने पकड़ी गई। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो अब्बा जी आप जाके खुद ही कसे। क्या करने गई थी तू उसके पास? मेरे मना करने के बावजूद क्यों मिलने गई थी तू उस कमीने से? मैंने मना किया था ना तुझे उससे मिलने से। तुझे हमारी इज्जत का ख्याल है भी ये नहीं? जवाब दे! दिलशेर, पागल हो गया क्या? क्यों चिल्ला रहा है बहन पे? क्या किया उसने? पूछे इसे, पूछो क्या किया उसने? उस कमीने से मिलने गई थी ये। उसने सुल्तान भाई को, इसकी वजह से वो चौधरी बार बार हमारी दहलीज पे आता है, दुश्मन को खबर देने गई थी। सच कह रहा हूं अब्बा जी, कि यूनिवर्सिटी के गेम्स में हिस्सा ना ले। मेरी तरफ देख रेशमा, दिलशेर क्या कह रहा है? क्यों गई थी उसके पास? जवाब दे मुझे रेशमा। होश कर, होश कर, हर काम जोश से नहीं होश से भी किया जा सकता है। चलो अंदर चल लो। देख लिया खुद अपनी आंखों से, आपकी, दिलशेर की, अब्बा जी की, सबकी लाडली रेशमा क्या गुल खिलाकर आई है ना नागिन? ऐसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि रेशमा भी ऐसे कर सकती है। चलो मान लिया इस उम्र में लड़कियां लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं, रेशमा को भी आ गया चौधरी का बेटा पसंद, लेकिन अगर हकीकत खुल गई थी तो रेशमा को किनारा कर लेना चाहिए था। अम्मा गांव में भी ना बहुत तेज थी, अब मकार हो गई है, ऐसी चालें चलती है ना। अब देखें खामखा इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर आप लोगों को गांव से बुलवा लिया, जैसे खुदा ना खास्ता मैं कहां भागी चली जा रही हूँ। अपने करतूत तो देख ले, अब चाय ले आती हूँ। तो इधर बैठा है छत पे, ले पानी पी ले, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तेरा, ले। हाथ भी उठाया उसने तुझ पे, तू ये बता कि जो कुछ वो कह रहा था क्या वो सच है? मुझे जवाब चाहिए रेशमा, मुझसे कोई बात मत छुपाना, जो कुछ है मुझे साफ साफ सच सच बताओ। बच्ची, मैं तो बस यही चाहती थी कि ये दोनों खानदानों की दुश्मनी यही खत्म हो जाए, मजीद खून खराबा होने से बच जाए। कितनी मेहनत की थी दिलशेर पर मैंने, उसे खुद बिठाकर पढ़ाती रही हूँ, यूनिवर्सिटी तक में एडमिशन करवाया उसका, लेकिन अम्बा जी दिलशेर पर तो कोई असर नहीं हो रहा। वो कल रात को आपसे कह रहा था कि रिंग में वो रुस्तम को मार देगा, तो मैं बस उससे यही बताने गई। इसका मतलब है कि वो जो कुछ कह रहा था वो सच है, तू रुस्तम को बाखबर करने गई थी?
आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं अब्बा जी? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मैं ये खानदानी दुश्मनी खत्म करना चाह रही हूँ? इस घर से कैसे बगावत कर सकती हूँ? तू जानती है कि वो चौधरी रियासत का बेटा है, फिर भी कह रही है तू बगावत नहीं कर रही? शाम तक सोच ले रेशमा, तू किसकी तरफ है? आज फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़ा उसने किया, मैंने नहीं। रुस्तम, यू नीड टू अंडरस्टैंड, झगड़ा वो करे या तुम करो, इन द एंड रिजल्ट तो एक ही है ना। सी, रेशमा कॉल्ड, शी वांटेड टू मीट मी, लेकिन उसे यूनिवर्सिटी के बाहर मिलना था। उसने कहा कुछ जरूरी काम है, कुछ जरूरी बात करनी है। सो एंड देन दिलशेर केम, सिंपल। ये दिलशेर नजर नहीं आ रहा, क्या होके चला गया प्रैक्टिस पर? नहीं सर जी, वो आज आया ही नहीं। हसन कह रहा था कि आज उसे किसी ने गली में भी नहीं देखा। चाहे काम करो, घर जाओ उसके, मिल जाए तो लेकर आना। ठीक है, ठीक। स्ट्रेच, पूरा हाथ खोल के, खोल के। शाबाश, 3, 1, 2, 3। पूछा आपने क्यों किया उसने ऐसा हमारे साथ? बात की उससे, पूछा भी। उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानते हो। असल में सोचना तो हमने ये है कि इस मसले का हल क्या है। अब्बा जी, मैं कहता हूं पढ़ाई छुड़वाओ उसकी, ये भी होगा, पर ये मसले का असल हल नहीं है। अब्बा जी, क्या सोचा है, क्या करने वाले हो? रेशमा की शादी, हिट के फौरन बाद। शाबाश, आनो में दस्तक देने पर वो आया था, क्या नाम तो उसके खाला का लड़का, जमशेद, कह रहा था दिलशेर सो गया है। सो रहा है? इस वक्त कब सोता है? आप जाकर बात करें उस्ताद जी, आपकी आवाज को तो फौरन जागेगा। ज्यादा बातें नहीं करो, जाके अपना सेट मुकम्मल करो, जाओ। दिलशेर ने कभी जिम से नागा नहीं किया, फिर आज क्या हुआ उसे? जी हाँ हाँ, मुझे याद है, आज आप कुकिंग कर रही हैं मेरे लिए अपने हाथों से। मैं वक्त पे आ जाऊंगा। सी यू। शाबाश शाबाश, फेस बचा के, फेस। हाँ आ,
अब्बा जी शेर बैठने नहीं आया हूं बेटा, बात करने आया हूं। क्या सोचा है तूने फिर, किस तरफ हैं तेरी वफादारियां? मैं पहले भी आपके साथ ही थी अब्बा जी, अभी भी आपके साथ ही, बस आपको यकीन नहीं है। तू यकीन दिला, मुझे यकीन हो जाएगा। आप बताएं मुझे यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा, कोयलों पे चलूं या कांटों पर? अच्छी तरह सोच ले पुत्र, वफा का सौदा बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं बच्चे, आप पता है मुझे क्या करना होगा? शादी। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अव्वल आखिर तेरी शादी करनी तो थी ना, तो अब कर देंगे तो क्या हर्ज है? मैंने दिलशेर की एक नहीं सुनी और ना ही मानी है, वरना इस तरह के मामलात में भाइयों के फैसले बहुत सख्त होते हैं। लेकिन अब्बा जी मेरा मतलब है, पहले ही कहा था पुत्र, इतनी सौखी हाथ नहीं आती वफा, वफा हाथ में लाना बड़ा औखा काम है। ठीक है अब्बा जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, जिसे चाहे मेरा निकाह पढ़वा दे। कोई गैर नहीं है लड़का, अपने ही घर का है जमशेद। जमशेद। वाह भाई, क्या किस्मत पाई है तूने, बैठे बिठाए लड़की मिल गई, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, किसी ने ना पूछा क्या करते हो, क्या नौकरी है, घर अपना है या किराए का, लॉटरी है वे लॉटरी। पर ये बहुत गलत बात है ना अम्मा, कहाँ मैं मैट्रिक पास और कहाँ वो यूनिवर्सिटी की लाइक फाइक स्टूडेंट, और वो किसी और को भी तो पसंद करती है। उसकी अकल के घास चढ़ने गई है, इसे समझाएं, ये बहकी बहकी बातें जाकर अब्बा जी से ना कर बैठे। अच्छी खासी लड़की मिल रही है और क्या चाहिए, चुपचाप शादी कर, और कुछ दिनों में रेशमा उस्तानी भी लग जाएगी, ले जाना लेकर आना, घर चलता रहेगा। मेरा दिल नहीं मानता, बता रहा हूँ मैं, बात जब खानदानी इज्जतों पर आ जाए ना तो बड़े बड़े समझौते करने पड़ते हैं। मर्दों जैसा दिल रख जमशेद, और सीख कुछ दिलशेर से। हाकिम अली ने तुझे बड़ी जिम्मेदारी वाला काम दिया, अब तेरा काम भी है कि तू भी सादतमंदी का मुजाहरा करे। तेरे इनकार से ना मेरी तरबियत पर हरफ आएगा। हाकिम अली से तो मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ इस हाजरा की वजह से। लो भाई, बात कहीं की, जिक्र किसी और का, लेकिन हाजरा को बीच में घसीट ही लेते हैं। कोई हाजरा जैसा हो ही ना जाए। जिंदगी की हकीकतें इन किताबी तहरीरों से कितनी मुख्तलिफ होती हैं। जो मोहब्बत हम इन किताबों में पढ़ते हैं वो कहीं अप्लाई नहीं होती। असल फोर्स तो नफरत में है जो इस सारे निज़ाम को चला रही है। कितनी पागल थी मैं, सोचती थी किताबी कहानियों की तरह आखिर में सब अच्छा हो जाएगा, किसी दानिश्वर का कॉल पढ़ूंगी और सब बदल जाएगा, सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी।
ये क्या? अभी से किताबें समेट रहे अपने? मेरे भाई की बारी, अपनी जिंदगी से सारा रोमांस निकाल रही हो? मैंने तो सुना है अफसानों की लड़कियां ना बहुत रोमांटिक होती हैं। क्या मिला तुम्हें सब करके? किससे इसका बदला ले रही हूँ मैं? हाँ मानती हूँ हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही, लेकिन हम कभी दोस्त तो थे ना। कहते हैं कि दोस्ती टूट भी जाए तो दोस्त भरम रखते हैं, तुमने तो किसी रिश्ते का भरम नहीं रखा। तुम्हारी अकल पे ना पर्दा पड़ चुका है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ आती कि तुम्हारी शादी रुस्तम से नहीं हो सकती? वो चौधरी रियासत अली का बेटा है, जानती हो चौधरी रियासत अली कौन है? तुम्हारे भाई का कातिल है वो। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।